पाकिस्तान के नापाक हरकत का बड़ा ही माकूल जवाब दिया है हिंदुस्तान के सैनिकों ने। भारतीय वायुसेना के पायलटों ने मिराज लड़ाकू विमान से 1000 किलोग्राम का बम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकाने पर गिराया। 12 दिनों से हिंदुस्तान बदले की आग में सुलग रहा था, जिसे अब जाकर राहत मिली है। इंडियन एयरफोर्स के मिराज की गर्जना ने कई आतंकी बंकरों को जमींदोज कर दिया। पीओके में घुसकर अब तक वायुसेना की सबसे बड़ी एक कामयाबी मानी जा रही है और इस कामयाबी का जश्न पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में भारत माता की जय के नारों के साथ मनाया जा रहा है। गोरखपुर में भी बदले के जश्न का लोगों ने इजहार किया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद के नारों से शहर गूंज उठा। हाथों में तिरंगे लेकर जहाँ एक और नौजवानों ने इस कामयाबी का जश्न मनाया, वहीं पर आतिशबाजी ने भी जीत की गर्जना में कोई कमी नहीं रखी। आतंकवादियों के खिलाफ हुए सबसे बड़े सर्जिकल स्ट्राइक का लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के नेता दुर्गेश बजाज ने कहा, दुर्गेश बजाज, बताने की जरूरत नहीं है कि किस बात की आज पूरे हिंदुस्तानियों को खुशी है। जो सरहद पर आज हमारे एयर स्ट्राइक हुआ, ये हम लोगों के गर्व का विषय है और हम लोगों का आज छाती 56 इंच का हो चुका है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। भारत माता की जय।